subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. This is Dr. Tanu Arora, consultant, oral and maxillofacial pathologist, and Dr. Sachin Mittal, advanced dentistry, model town, Hisar. जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीज हमारे ही देश में है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे भी ज्यादा दुख की बात ये है कि ये लोग जब डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो ऑलरेडी काफी लेट स्टेज में होते हैं। जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती है उसके ठीक होने की संभावना कम होती जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम कैंसर के कुछ लक्षणों के बारे में पहले से ही जानकारी रखें। अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट फ्यू वार्निंग साइंस ऑफ ऑरल कैंसर। फर्स्ट इज, अगर आपके मुंह में कोई छाला जो बार बार सेम ही जगह पर हो रहा है या आप अपने इनर साइड ऑफ द चीक पे कोई वाइट पैच या रेड कलर का पैच ऑब्जर्व करते हैं तो उसे इग्नोर ना करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सेकेंड इज, अगर आपके मुंह में कोई गांठ या कोई मसूड़े का बार बार फूलना और उसके छूने पर ब्लीड करना आप देख रही हैं तो वो भी आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करिए। नेक्स्ट इज, जो लोग टबैको या गुटखा खाते हैं टाइम के साथ साथ हो सकता है उनके मुंह का खुलना कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, उसे हम अपनी लैंग्वेज में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके इन फ्यूचर कैंसर में चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपका कोई दांत अचानक से हिलने लग जाए या फिर गिर जाए और अगर आप टेंचर मीन्स जबाड़े का प्रयोग करते हैं तो अचानक से उसके साइज में चेंज हो जाना भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। सो प्लीज इसे इग्नोर ना करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर।